2021 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या किया, इसकी चर्चा बेहद कम हुई। वजह थी कोरोना महामारी। लेकिन भारत का स्पेस प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी चलता रहा। संकट के समय भारत के वैज्ञानिकों ने देश के लिए क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किए, ये जानकर आप भी इसरो को सलाम करेंगे। 28 फरवरी 2021 कोरोना की दूसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी थी। शहर शहर जहरीला वायरस लाशें बिछा रहा था। महामारी के बीच भारतीय वैज्ञानिक एक मिशन में लगे थे। इसरो पीएसएलवी C51 को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा था। सबसे खास बात यह थी कि सैटेलाइट को भारत के छात्रों ने तैयार किया था। यूनिट सेट नाम के सैटेलाइट के साथ मिशन में कई देशों की सैटेलाइट को स्पेस तक ले जाना था, जिसमें ब्राजील की सैटेलाइट एमेजोनिया 1, अमेरिका के 13 सैटेलाइट, भारत का श्री शक्ति सैटेलाइट, सिंधु नेत्र सैटेलाइट और सतीश धवन सैटेलाइट शामिल थे। बीती 28 फरवरी को इसरो के वैज्ञानिकों ने कोरोना के बवंडर के बीच स्पेस में तिरंगा लहराया। इतना ही नहीं, स्पेस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भगवत गीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी भेजी गई। इसरो ने सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले विदेशी सैटेलाइटों की गिनती बढ़कर 342 तक पहुंचा दी। 2021 में इसरो ने कई और कीर्तिमान स्थापित किए। मसलन 2021 में इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के उस हिस्से में वाटर आइस खोजा है जो हमेशा अंधेरे में ही रहता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसी साल जुपिटर से 1.4 गुना बड़ा एक्सोप्लैनेट खोज निकाला। इस साल भारत के मंगलयान ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में 7 साल पूरे कर लिए। कोरोना से जंग में भी इसरो के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। इसरो ने देशवासियों की मदद करने की पहल की और 3 वेंटिलेटर विकसित किए। ये वेंटिलेटर कम लागत से बनाए गए और पोर्टेबल भी है। 21 से बड़े काम इसरो 22 में करने जा रहा है। नए साल के साथ इसरो नए कीर्तिमान स्थापित करने की योजना बना चुका है। साल 2022 में गगनयान मिशन से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन को पूरा करने वाला है। साल 2022 में इसरो बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम वीनस मिशन को शुरू करेगा। इसरो गगनयान के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। गगनयान मिशन के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करनी शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। समंदर के साथ इसरो आदित्य मिशन की शुरुआत भी करने वाला है। इसरो का ये एक सोलर मिशन है जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। अंतरिक्ष में इंडिया की थाक जमाने के साथ स्पेस वॉर की भी तैयारी की जा रही है। इसरो का ट्रैक शानदार रहा है। अंतरिक्ष में इसरो का दबदबा ऐसे ही नहीं, जितने भी टारगेट इसरो को दिए गए इसरो ने उसे सफलतापूर्वक हासिल किया और आने वाले साल में भी नए इतिहास रचने को इसरो तैयार है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।